गुरुग्राम के जीएवी इंटरनेशनल स्कूल में बड़े ही धूमधाम से 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व डीजीपी शील मधुर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, ध्वजारोहण किया। इस कार्यक्रम के मार्फत छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत अलग अलग प्रस्तुतियां दी, जिसमें सबका मन मोह लिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की माने तो जीएवी इंटरनेशनल स्कूल का ये मकसद है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा दिया जा सके, और इसी पर जीएवी इंटरनेशनल स्कूल लगातार काम भी कर रहा है। देश 1947 से बैलगाड़ी के दौर से बड़ी बड़ी मोटर कारों और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों तक आ गया। मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने और अलग अलग सरकारों ने अपने हिस्से की मेहनत करी है। तो जो आपने अभी शील मधुर जी से पूछा था कि जो राष्ट्रवाद है क्या वो 15 अगस्त के बाद गायब तो नहीं हो जाता, स्कूलों की जिम्मेवारी है और स्कूलों के साथ साथ सरकार की जिम्मेवारी है कि बच्चों को यदि शिक्षा रोजगार परक होगी तो उस टाइम जो आपने उनको पढ़ाया है, चाहे राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भरी है, मतलब बच्चे बिना कोरियोग्राफर के इतना बढ़िया एक्ट कर रहे हैं, इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं बशर्ते कि शिक्षा मोटिवेशन बनाए रखे। पहले यह कहना चाहूँगी, आदरणीय श्री वान श्री शील मधुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि बच्चों को जो मेरा मैसेज है वो ये है कि आज़ादी, फ्रीडम, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है ह्यूमन काइंड के लिए। और आज की सेलिब्रेशन का मतलब भी यही था कि बच्चे ये समझें कि आज़ादी किन मुश्किल स्ट्रगल्स और फ्रीडम स्ट्रगल से हमें मिली हुई है और इसका सम्मान कैसे किया जाना चाहिए, इस सेलिब्रेशन का यही मतलब था। और इससे बड़ा एग्जाम्पल हमारे बीच में कौन हो सकते हैं सर, जो खुद एक तिरंगा का मिशन, तिरंगा की इम्पोर्टेंस बताने के लिए चल पड़े हैं। और 22 जुलाई को इन्होंने अभी भी हमारे साथ प्रोग्राम किया था, और बच्चों को टाइम टू टाइम जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स करवाते रहते हैं ताकि बच्चों को आज़ादी की एक्चुअल वैल्यू का पता लग पाए और बच्चे एक सफल नागरिक होने का आगे रोल निभा पाए।